वेलकम बैक। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है पास्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के जरिए हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर पास्टोरल नोमैड्स किन किन एरियाज में पाए जाते हैं, किस तरीके से पास्टोरल नोमैड्स एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग उन पास्टोरल नोमैड्स के बारे में पढ़ेंगे जो माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और डेजर्ट्स में रहते हैं। शुरुआत करेंगे माउंटेन्स से। फ्रेंड्स, अगर आज भी आप लोग जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स में जाएं, तो वहां आपको एक पास्टोरल कम्युनिटी मिलेगी जिसका नाम है गुज्जर बकरवाल्स। बकरवाल्स वो कम्युनिटी है जो अपने पास शिप्स और गोट्स के हर्ड्स रखना पसंद करती है। जानते हैं 19th सेंचुरी में इस कम्युनिटी के कुछ लोग जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स पर आए थे अपने एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड ढूंढते हुए, लेकिन कुछ सालों में ये लोग यहीं बस गए। आज ये कम्युनिटी एनुअली मूव करती है समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स के बीच में। इनके मूवमेंट को थोड़ा आराम से और डिटेल में समझते हैं। चलिए आप सब इमेजिन कीजिए कि इस फिगर में जो आप माउंटेन देख सकते हैं वो जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स हैं, जहां पर गुज्जर बकरवाल्स रहते हैं। स्टूडेंट्स, विंटर के समय यानी कि सितंबर एंड के आसपास हाई हिली एरियाज पर स्नो गिरने लगती है, यानी कि गुज्जर बकरवाल्स जो हाई हिल्स पर रहते हैं वहां पर स्नो पड़ने लगती है, और इसीलिए एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। और विंटर के समय गुज्जर बकरवाल्स लो हिल्स ऑफ शिवालिक की तरफ मूव करते हैं ताकि उनके एनिमल्स को फूड मिल सके। जब समर आती है यानी कि अप्रैल एंड के आसपास स्नो पिघलने लगती है हिली एरियाज पर, इसीलिए गुज्जर बकरवाल्स लो हिल्स से फिर से हाई माउंटेन्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि तब स्नो पिघलने से ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल बहुत ही ईजिली हो जाती है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों कि जो बकरवाल कम्युनिटी है वो समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करती है। ये कम्युनिटी सिर्फ अपने एनिमल्स के साथ ही नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ट्रैवल करना पसंद करती है, जिसे काफिला कहा जाता है। माउंटेन्स में और भी बहुत सारी पास्टोरल कम्युनिटीज रहती हैं। चलिए इस कम्युनिटी के अलावा अब हम बाकी कम्युनिटीज के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी आती है गद्दी शेपर्ड्स। ये पास्टोरल कम्युनिटी स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स पर रहती है। बाकी कम्युनिटीज की तरह ये कम्युनिटी भी सीजनल मूवमेंट को ही फॉलो करती है। विंटर के समय ये लोग हाई माउंटेन्स से लो हिल्स ऑफ शिवालिक की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये बीच में दो एरियाज पर रुकते हैं कल्टीवेशन के लिए, जिन एरियाज के नाम हैं लाहौल और स्पीति। तो विंटर के समय फ्रेंड्स लो हिल्स ऑफ शिवालिक की तरफ मूव करते हुए शेपर्ड्स लाहौल और स्पीति एरियाज पर रुकते हैं, जहां ये लोग समर क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और विंटर क्रॉप्स को बोते हैं। जैसे ही समर आती है यानी कि अप्रैल एंड के आसपास, ये लोग फिर से लो हिल्स ऑफ शिवालिक से हाई माउंटेन एरिया की तरफ मूव करते हैं, और हाई माउंटेन्स पर जाते हुए ये लोग लाहौल और स्पीति पर रुकते हैं, जहां ये विंटर क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और समर क्रॉप्स को बोते हैं। इसी प्रोसेस से फ्रेंड्स ये लोग अपनी फूड रिक्वायरमेंट और अपने एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए अब हम गढ़वाल और कुमाऊं माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुज्जर कैटल हर्डर्स रहते हैं जो समर विंटर सीजनल मूवमेंट को ही फॉलो करते हैं। विंटर्स के समय ये लोग हाई माउंटेन से लो हिल्स ऑफ बाबर की तरफ मूव करते हैं, और समर्स के समय लो हिल्स ऑफ बाबर से ये लोग हाई हिल्स यानी कि बुग्याल की तरफ मूव करते हैं। ये कम्युनिटी 19th सेंचुरी में जम्मू कश्मीर से आई थी, लेकिन कुछ सालों में ये लोग यहीं बस गए। इन सभी कम्युनिटीज के बारे में जानने के बाद फ्रेंड्स
हम ये बहुत ही अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं कि माउंटेन्स में रहने वाली सभी पास्टोरल कम्युनिटीज समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग ही मूव करती है। फिर चाहे वो ये तीनों कम्युनिटीज हो जिनके बारे में हमने पढ़ा है या फिर बाकी कम्युनिटीज जैसे कि भोटियाज या फिर किन्नौरीज, ये कम्युनिटीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हैं कि इनके एनिमल्स को फूड की कमी ना हो। इसीलिए अगर एक एरिया पर पास्चर ओवर यूज हो जाए तो ये कम्युनिटीज दूसरे एरिया में मूव करती हैं ताकि पास्चर रिकवर होने का टाइम मिल जाए। माउंटेन्स के अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारी पास्टोरल कम्युनिटीज इंडिया के प्लेटोस, प्लेन्स और डेजर्ट्स में भी रहती हैं। अब हम ऐसी ही कुछ कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में रहने वाली ढंगर कम्युनिटी के बारे में। अर्ली 20th सेंचुरी में ढंगर कम्युनिटी की पॉपुलेशन अराउंड 4,67,000 थी। ढंगर कम्युनिटी के लोग ज्यादातर शेपर्ड्स, ब्लैंकेट वीवर्स या फिर बफलो हर्डर्स ही होते। मॉनसून के समय ये कम्युनिटी महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटो पर रुकती क्योंकि ये एक ड्राई रीजन था जहां पर कम रेनफॉल और लो क्वालिटी सॉइल पाई जाती। ड्राई रीजन के कारण यहां पर बाजरा को ही बोया जाता और एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड मिलना इस रीजन पे बहुत ही इजी था। अक्टूबर में बाजरा को हार्वेस्ट करने के बाद ये कम्युनिटी वेस्ट की तरफ मूव करती और एक महीना ट्रैवल करने के बाद ये कम्युनिटी कोंकण रीजन में पहुंचती जहां पर कोंकणी पीजेंट्स इनका बहुत ही खुशी के साथ स्वागत करते। क्योंकि जिस समय ये कम्युनिटी कोंकण रीजन में पहुंचती है उस समय कोंकण रीजन में खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है और फील्ड को राबी क्रॉप के लिए रेडी किया जाता और इसके लिए कोंकणी पीजेंट्स को लैंड को फर्टिलाइज करने की जरूरत होती। ये काम तो ढंगर कम्युनिटी के एनिमल्स बहुत ही अच्छे से कर सकते थे, इसीलिए फील्ड को फर्टिलाइज करने के लिए ढंगर कम्युनिटी के एनिमल्स फील्ड को मेन्योर प्रोवाइड करते और इन रिटर्न उन्हें ग्रेजिंग लैंड मिलती। कोंकणी पीजेंट्स ढंगर कम्युनिटी को राइस भी प्रोवाइड करते थे जो ढंगर कम्युनिटी के लोग अपने साथ प्लेटो पर ही ले जाते थे। मॉनसून आते ही ये लोग कोंकण छोड़कर फिर से ड्राई रीजन की तरफ चले जाते थे। इस कम्युनिटी से हम लोगों ने ये सीखा दोस्तों कि जो ढंगर कम्युनिटी है ये मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग मूव करती है। जैसे ही मॉनसून आता है ये लोग ड्राई रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि बफलोस के अलावा जो भी एनिमल्स हैं जैसे कि शीप्स वो लोग वेट मॉनसून को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए मॉनसून के समय उनको ड्राई रीजन में ले जाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में रहने वाली पास्टोरल कम्युनिटीज के बारे में। यहाँ मेनली दो पास्टोरल कम्युनिटीज रहती थी, गोलास और कुरुमास जिसे कुरुबास भी कहा जाता है। इन कम्युनिटीज के अच्छे से समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मेनली कैटल, गोट या फिर शीप हर्डर्स ही पाए जाते। गोलास कैटल हर्डर्स थे, कुरुमास और कुरुबास गोट्स और शीप हर्डर्स। पॉइंट नंबर 2, इन कम्युनिटीज का ऑब्जेक्टिव था फॉरेस्ट के आसपास रहना, स्मॉल लैंड को कल्टीवेट करना और अपने हर्ड्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। पॉइंट नंबर 3, ये कम्युनिटीज मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करती, जैसे कि ड्राई सीजन के टाइम पर ये लोग कोस्टल ट्रैक्ट की तरफ जाना पसंद करते और जैसे ही मॉनसून आ जाता ये लोग फिर से ड्राई रीजन की तरफ भागते क्योंकि इनके एनिमल्स का वेट मॉनसून में सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद बात आती है दूसरी पास्टोरल कम्युनिटी की जिसका नाम है बंजारा। बंजारा के बारे में जानने के लिए भी फ्रेंड्स हमें 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, बंजारा मेनली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते थे। पॉइंट नंबर 2, इस कम्युनिटी का मेन ऑब्जेक्टिव था अपने हर्ड्स के लिए अच्छा पास्टर लैंड ढूंढना, फिर चाहे इसके लिए उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों ना ट्रैवल करना पड़े। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए अपनी फूड और फॉर्डर नीड्स को पूरा करने के लिए
ये लोग रास्ते में आ रहे विलेजर्स को अपनी कैटल भी बेच देते थे। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान में रहने वाली पैस्टोरल कम्युनिटी के बारे में, जिसका नाम है स्टूडेंट्स राइका। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान में रेनफॉल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हार्वेस्ट हर साल फ्लक्चुएट करती है। हमेशा से ही राजस्थान में सिर्फ कल्टीवेशन पर ही सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल रहा है, इसलिए राइका कम्युनिटी ने कल्टीवेशन को पैस्टोरलिज्म के साथ जोड़ दिया। चलिए इस कम्युनिटी के बारे में मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर वन, मॉनसून के समय राइका कम्युनिटी अपने विलेजेस में ही रहती थी जहां पैस्टर अवेलेबल होता। पॉइंट नंबर टू, अक्टूबर आने तक जब ग्रेजिंग ग्राउंड्स ड्राई होने लगते तब फूड और वाटर की तलाश में ये कम्युनिटी दूसरे एरिया में ट्रैवल करती और अपने विलेजेस में तभी वापस आती जब मॉनसून आ जाता। पॉइंट नंबर थ्री, डेजर्ट में रहने वाले राइका कम्युनिटी के ग्रुप को मारू कहा जाता, जो कि कैमल हर्डर्स थे। बाकी सभी राइका कम्युनिटी के ग्रुप्स शीप या फिर गोट हर्डर्स थे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें पता लगा कि पैस्टोरल कम्युनिटीज अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ ध्यान रखती हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर वन, पैस्टोरल कम्युनिटीज को ये जज करना होता है कि आखिर वो अपने हर्ड्स को किस एरिया में लंबे समय तक रख सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, पैस्टोरल कम्युनिटीज को ऐसे एरियाज ढूंढने पड़ते हैं जहां पर वाटर और पैस्टर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर थ्री, इन कम्युनिटीज को अपने मूवमेंट के टाइमिंग्स बहुत ही एक्यूरेटली कैलकुलेट करने पड़ते हैं ताकि ये एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सके। पॉइंट नंबर फोर, क्योंकि पैस्टोरल नोमैड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए रास्ते में आ रहे फार्मर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ही जरूरी है ताकि इनकी और इनकी कम्युनिटी के एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। फ्रेंड्स, अगर हम एक लाइन में कंक्लूड करें तो पैस्टोरल नोमैड्स के लिए कल्टीवेशन, ट्रेड और हर्डिंग को कंबाइन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉलोनियल रूल और पैस्टोरल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पर क्लिक कीजिए, इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब PuStack चैनल की ऐप भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और PuStack की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।